नए साल का आगमन अब कुछ ही दिनों में होने वाला है। नए साल के पहले दिन कई लोग पूरे साल के लिए अपनी बुरी आदतें छोड़ने के लिए कुछ नई अच्छी आदतें अपनाने के लिए संकल्प लेते हैं। कई लोग घर में नई वस्तुएं लाते हैं। हमारे देश में हर कोई नए साल को एक त्योहार की तरह मनाता है। सबकी यही इच्छा होती है कि नया साल शुरुआत से लेकर आखिर तक अच्छा जाए। नए साल को बेहतर बनाने के लिए वास्तु में कुछ उपाय बताए गए हैं। वास्तु के अनुसार नए साल पर घर में कुछ चीजों को लाना बहुत शुभ माना जाता है। जल्द ही साल 2024 की शुरुआत होने वाली है। हर कोई चाहता है कि आने वाला साल उनके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। नए साल में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार नए साल पर घर में कुछ चीजों को लाना बहुत शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नए साल में अपने घर जरूर लाएं। पहली चीज है विंड चाइम। वास्तुशास्त्र में विंड चाइम को बहुत शुभ माना गया है। इससे निकलने वाली मधुर आवाज पूरे घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर देती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नए साल के आगमन पर अपने घर या ऑफिस में एक विंड चाइम जरूर लगाएं। इसे लगाने से घर से दरिद्रता दूर होती है और धन का आगमन होता है। नए साल में आप शीशा भी अपने घर ला सकते हैं। वास्तु में शीशा यानी दर्पण को बहुत ही अच्छा प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि दर्पण में लगाने से दोगुना लाभ मिलता है। नए साल में अपने घर में एक सुंदर सा शीशा लेकर आएं और इसे घर की उत्तर दिशा में लगाएं। आप चाहें तो ऑफिस में अपने बैठने के स्थान पर भी दर्पण लगा सकते हैं। माना जाता है कि दर्पण लगाने से कमाई तेजी से बढ़ती है। लाफिंग बुद्धा। वास्तु में लाफिंग बुद्धा को सुख समृद्धि का खजाना माना जाता है। घर में लाफिंग बुद्धा लाने से खुशियां आती हैं। परिवार के सदस्यों के बीच प्यार बना रहता है। आप भी नए साल पर अपने घर में लाफिंग बुद्धा ला सकते हैं। इसे अपने ड्राइंग रूम में मुख्य द्वार की तरफ रखें। लाफिंग बुद्धा को घर में लाने से आपके घर में धन की कमी नहीं रहती है। बांस का पौधा लाना भी नए साल में शुभ माना जाता है। बांस का पौधा समृद्धि और लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा को घर से दूर करता है। इस पौधे को घर में ड्राइंग रूम में रखना चाहिए। इस जगह बांस का पौधा रखने से यह धन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। घर में बांस का पौधा रखने से उसके अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। यह भी माना जाता है कि घर में बांस का पौधा रखने से घर के सभी सदस्य निरोग रहते हैं। एक्वेरियम। वास्तु में मछलियों को सौभाग्य का सूचक माना जाता है। घर में एक्वेरियम का होना संपन्नता को दर्शाता है। माना जाता है कि जिस घर में एक्वेरियम होता है वहां धन समृद्धि बढ़ती है और अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। नए साल में घर में एक्वेरियम लाएं। इसके लिए उत्तर दिशा चुनें। उत्तर दिशा को धन की और भगवान कुबेर की दिशा माना जाता है। माना जाता है कि इस दिशा में एक्वेरियम लगाने से आपके घर में संपन्नता बढ़ती है। उपरोक्त सभी वस्तुएं में से आप एक भी चीज नए साल पर अपने घर लाते हो तो यह वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत ही शुभ माना जाएगा। अगर आप भी आने वाले नए साल में अपने घर के खुशियां चाहते हो, सुख समृद्धि चाहते हो, तो आप इनमें से कोई भी चीज अपने घर में ला सकते हैं।